हाँ बहुत अच्छी टाइट ही होती है बेटा। टाइट की स्टील की प्लेट है ये बड़ी, ये कैमरो ब्रांड की है। तो ये मैंने अलग अलग तरह के पतली ब्रांड का है, आप मुझे जो भी पिए लीजिए। तो मैंने ये हैंडल वाली शादी के टाइम के लिए। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। दिस इज अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ कि आज स्कूल से आ गया था। आजकल पूरा दिन में इतने ज्यादा काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिला मॉर्निंग से, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग नाउ। एंड कैच वाज नॉट नोन कि मैं उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जब उसे पता चला तो ही बिकेम शाय, सो हियर ही इज। और आज मैं आपके साथ बहुत सारे किचन आइटम शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। चलो गाइस देखते हैं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना गाइस, ये मैं ही हूँ। आप खोलो गाइस, ये खबर अपनी पढ़ाई कर रहा अब कर दिया। आप खोलो कि मम्मा खोले? मी आप खोलो, पकड़ो से। चलो आई डोंट नीड सीजर्स टू कट। हां ओ चलो जल्दी जल्दी खोल के देखो क्या है क्यांच के लिए इसमें। कुछ तो है, कुछ तो मम्मा ने मंगाया है। आप तो ऊपर का पैकेट फाड़ रहे हो, उसको फाड़ने से क्या होगा बेटा, वो थोड़ा खुलेगा। आपने तो सारा वो उतार दिया एड्रेस वाला। अंदर का पैकेट खोलो, पैकेट मम्मा खोले, पैकेट से जैसे ही खुलेगा। मम्मा खोल के दे हैं, लाओ मम्मा खोल दे, आपको पैकेट खोलना नहीं आता। अब मम्मी खोल रही है, अब मम्मी खोल रही है, अब मम्मी खोलेगी। मैंने कैश के लिए स्विम सूट ऑर्डर किया था, तो वही उसका पार्सल आ गया था। नाम वॉज ओपनिंग इट एंड कैश वॉज प्रिटी एक्साइटेड टू सी कि कैसा उसका स्विम सूट आया है। तो हियर इट इज हिज पार्सल। आप खोलो, खोलो, ये आपके लिए मंगाया मैंने। इसे लगा कि ये आप स्विमिंग का भी होता है। खोलो खोलो जल्दी जल्दी खोल के देखो, पसंद आ रहा है आपका, साइज आया है सही के नहीं आया। लेबल नहीं तोड़ना, पहले साइज चेक करना। लेबल छोड़ दो, आप चेक करो। इधर आओ, इधर आओ, ऐसे नहीं पहनना, उसको उतार के पहनेंगे। दिखाओ मम्मा को, लगा के दिखाओ। ओ गो स्विम, कितनी कूल है ये, है ना? हाँ टैग कूल है ना। कल हाँ चलो नेक्स्ट देखो, पहले पहले टी शर्ट का भी साइज चेक करो। आपको टी शर्ट का साइज सही आ रहा है? साइज सही नहीं होगा तो मम्मा को चेंज करना पड़ेगा ना। चेक करो देखो, साइज मुझे लग रहा है छोटा दे दिया वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये हाथों को, ये हाथों को। चलो अभी पहन के देख लेना। इसमें पता है क्या लिखा है, आप ढंग से पढ़ भी नहीं रहे हो। इस पर लिखा है पूल पार्टी। उसके साथ मैंने ये भी मंगाया। ये इसकी कैप है, आप स्विमिंग करने जाते हो ना जब, तो एक कैप पहननी पड़ती है ना हेयर पे, तो मैंने पूरा सेट मंगाया है। पहनो, मामा पहनाएगी, रुको आपको पहनना नहीं आ रहा। हाँ ऐसे पहनते हैं, पूरा हेड कवर हो जाता है। वाह बहुत अच्छी टाइट ही होती है बेटा इसको। इससे क्या होता है आपका हेयर पे पूरा, ये पूरा आपके वाटर नहीं जाने देगी ना अंदर। हाँ आप इससे अपने ईयर्स भी बंद कर सकते हो। अच्छी है ना। अब ये गॉगल्स भी चेक करो, गॉगल्स भी मंगाए थे मैंने, ब्लू कलर के गॉगल्स मंगाए थे, इन्होंने ब्लैक कलर के दे दिए। पहन के देखो साइज, देखो इसमें क्या है। रुको 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 रुको, देखो पहले ये देखो, यूवी शील्ड वाले हैं ये, ठीक है। रुको मम्मा लगा के दिखा जाएगा। हाँ वाटर नहीं जाएगा ये। हैप्पी हो गए? हैप्पी अब बस पानी वाला खेल मत खेलने जाओ, आ जाओ। हाँ चलो 3 2 1 गो। पानी जा रहा है नोजी में, जा रहा है नोजी में, आंखों में कैसे जा रहा है? अच्छा आपने ठीक से पहना नहीं है, मैंने जैसे पहनाया था ना बेबी तब नहीं जा रहा था ना। चलो चलो
एक नए किचन को सेटअप करने के लिए सबसे पहले बर्तनों की जरूरत है, और हमने किचन को ही सबसे पहले फंक्शनल किया बिकॉज उस पर काम वगैरह करना है। तो बर्तन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत सारे बर्तन हैं यहाँ पर मेरे सामने, वही मैं आपको भी दिखा रही हूँ। बाकी जो लगे हुए हैं उनको मैंने अभी नहीं निकाला है, और इनमें से बहुत सारे बर्तन मेरी शादी के टाइम के हैं, तो तब तो यूज़ हुए नहीं थे, तो अब यूज़ हो रहे हैं वो बर्तन, तो फाइनली अब निकाले हमने बर्तन। तो ये सबसे पहले प्लेट्स हैं, ये स्टील की प्लेट्स हैं, फुल साइज़ की स्टील की प्लेट है ये बड़ी, और ये मेरे पास 12 का सेट है बेसिकली। ये ना ये भी मेरी शादी के ही हैं, और हमने क्या किया था फटाफट, हमने जब किचन लगा रहे थे तब तो हमने कुछ भी रिकॉर्ड या शूट नहीं किया था बिकॉज टाइम ही नहीं था, तो इनके सबके लेबल पॉलिथिन वगैरह सबके ना जितने भी थे वो सब हमने निकाल कर उसी टाइम पे थ्रो कर दिए थे बिकॉज यूज करने थे। बस बेसिकली जितना भी स्टील का मटेरियल है, जितने भी स्टील के बर्तन वगैरह है, वो हमने चाहे मेरे अभी वाले हमने जो न्यू लिए वो हैं, या फिर जो मेरी शादी वाले भी, हमने सब बहुत स्टर्डी ले रखे हैं बिकॉज स्टील होता है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला होता है, तो सब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैवी वाले लिए हुए हैं। और ये है 12 स्पून का सेट, इसका ये तो बॉक्स में थी तो हमने सब कुछ फेंक दिया था उस टाइम पे लगाते लगाते, तो ये इस तरह की ये डिजाइन है इनका। तो ये 12 स्पून का सेट है, अगेन बहुत ही सुंदर है, ये भी मेरी शादी के टाइम का सारे बर्तन है जो हमने नए लिए, वो आपको दिखाती हूँ। और ये है 3 सर्विंग स्पून, ये बेसिकली मैंने लिए थे, ये 3 सर्विंग बोल्स हैं उनके साथ के लिए, तो ये भी है, सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। आई डोंट नो आपको कैमरा में कितना समझ में आएगा, बट मैं आपको 3 सर्विंग बोल्स हैं, ये बड़ा वाला साइज है, सबसे बड़ा वाला साइज, ये उसका ढक्कन है, सारे लिड के साथ लिए थे सर्विंग बोल्स मैंने, ये मीडियम साइज का है और ये सिमिलरली सबसे छोटा वाला साइज है, तो ये 3 साइज के बोल्स हैं सर्विंग के, और इनके साथ ही मैंने ये 3 सर्विंग स्पून ली थी इनके लिए, तो ये 3 सर्विंग स्पून 3 सेट के साथ ली थी, ये सब है। और इन प्लेट्स के साथ मैंने ये दो तरह की कटोरियां ली थी, दो ये भी 12-12 के सेट है, जो मेरी शादी के बर्तन है सब 12-12 के सेट में मैंने लिए थे। तो ये इस तरह की इस साइज की कटोरी है, ये भी पूरा 12 है, इनके असली लेबल अभी उतरे नहीं क्योंकि ये यूज नहीं हो पाया, तो अभी इसको इसके लेबल इसलिए उतारे नहीं है। तो ये है 12 का सेट है, और दूसरा स्टाइल और दूसरा डिजाइन है ये वाला इस तरह का, ये भी 12 के सेट में है, और सारी चीजें बहुत ही बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये सारी। तो ये है 12 के सेट में इस तरह से, जैसे कुछ अगर आपको डेजर्ट सर्व करना है या कुछ भी ऐसा सर्व करना है रायता वगैरह के लिए भी, तो ये उसके लिए मैंने ली थी, और ये भी ली थी दाल या सब्जी वगैरह के लिए। तो ये दो तरह की मैंने कटोरियां ली थी, ये 12-12 के सेट में ये हो गई। और तो ये 3 तरह के मैंने तो ये मैंने अलग अलग तरह के पतीले लिए थे। क्या शी सेइंग हाय टू ऑल, ये पहला है, ये छोटे साइज का, मैंने अलग अलग साइजेस के लिए हैं और ये हमने सब किचन में यूज कर लिए। तो ये फर्स्ट साइज का है, और इसके बाद सेकंड साइज है ये वाला, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हैवी क्वालिटी के हैं ये सारे बेसिकली। मैंने जो लिए हैं ना काफी सारे ट्राई प्लाई के बर्तन भी लिए, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये उसके बाद ये सबसे छोटा साइज, उसके बाद ये वाला साइज लिया है, और इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन भी हो रखा है। तो ये सारा, तो ये मैंने लिया है, और इनके सबसे अच्छी चीज बताऊं, इनके बेस फ्लैट है, देखो जैसे इसका बेस ना राउंड है थोड़ा सा, और इसका बेस सबसे बिल्कुल फ्लैट है, तो फ्रिज में रखो या कहीं भी रखो ना बिल्कुल हिलता नहीं है, शेक नहीं करता। तो ये एक सेकंड साइज है, और भी दिखाते हैं, हाँ, और ये है थर्ड साइज का, ये मैंने ट्राईप्लाई का लिया है। ट्राईप्लाई का फायदा ये होता है कि इनका बेस हैवी हो जाता है, तो जैसे आप खीर बना रहे हो या कुछ भी ऐसा चीज बना रहे हो जो देर तक पकने वाला है तो उसमें जलता नहीं है। और ये PNB ब्रांड का है, आप जो भी PNB ब्रांड्स के बर्तन अगर यूज करते तो आपको पता होगा कि सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो भी आप PNB का कोई भी अगर आप में से यूज करते हो तो आपको पता होगा PNB के बर्तन स्टील में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे होता है लेकिन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। ये है मेरा थर्ड पतीला जो ट्राईप्लाई में है, तो बहुत अच्छा है ये भी, और हैवी भी मिल जाते हैं ना इनमें, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। और ये भी फोर्थ है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइज है, और ये फोर्थ है, ये भी PNB ब्रांड में है, और ये मैंने यूज कर लिया है, और बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने दूध भी उबाल के देख लिया, हैवी चीजें भी इसमें कुछ रख के देख ली, बिल्कुल भी देखो बर्न नहीं हुआ है। मैंने प्रेफर यही किया कि मैं मैक्सिमम चीजें जो हैं वो स्टील की लूँ, मैक्सिमम बर्तन स्टील के लूँ। तो ये तो, और मैंने क्या किया है छोटे साइज में ज्यादा लिए क्योंकि मुझे ना अभी बड़े वाले साइज ज्यादा यूज होंगे नहीं एवरीडे बेसिस वाले, तो मैंने छोटे साइज में ही बहुत सारे साइजेस ले लिए हैं, लाइक ये सबसे छोटा, फिर ये वाला साइज, और उसके बाद ये वाला साइज। तो मैंने ये अलग अलग साइजेस ले लिए हैं पतीले, क्योंकि पतीले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, ये ना बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, आप कुछ रख भी सकते हो फ्रिज में इनमें या फिर पका सकते हो। तो ये सारे, तो ये मैंने 4 साइजेस लिए हैं, 1/2 kg से लेकर मैंने बड़े साइज तक लिए हैं,
और एक इससे बड़ा भी लिया, आई मीन काफी ज्यादा वाला बड़ा है वो, बट अभी मुझे वो एवरीडे यूज के लिए चाहिए नहीं, तो मैंने वो साइड में रख दिया, जब यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी वो भी। ये एक स्टील का लोटा है जल वगैरह रखने के लिए या कुछ भी, या फिर दूध वगैरह डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है, और मैंने ना एक छोटी सी जाली भी ली है, ये छोटी सी जाली मुझे लोकल मार्केट में मिल गई थी, इससे आप कुछ भी ढक सकते हो, चाहे कोई ग्लास ढकना हो आपको, दूध वगैरह रखा है या कुछ भी रखा तो ऐसे जैसे इसको ढकने के लिए, बहुत ही क्यूट सी दिखी थी और छोटी सी ना, मुझे ऐसी वाली जालियाँ हमने कई यूज़ की, बट ये पहली बार मुझे इतनी छोटी सी दिखी, सो आई टुक इट। ये है, ये मैंने एक बेलन लिया है, इसको भी यूज़ कर लिया है, तो ये मैंने बड़े साइज का हैवी वाला बेलन लिया है, ये लिया है, और एवरीडे यूज के लिए काफी सारी चीजें यूनो की जरूरत पड़ती हैं। ये एक मैंने लिया है, जैसे आपको रोटी सेकनी है तवे पे ना सेक के, गैस पे सेकनी है, या कुछ और भी ऐसे आपको गैस वाला सेकना है ना, टमाटर या कुछ भी, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं, तो ये मैंने एक लिया है। चिमटा लिया है, चिमटा भी मेरा कौन से ब्रांड का है मुझे इस पर ऐसे पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो ये लिया है, ये भी मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लिया है, बिकॉज ये भी एवरीडे यूज़ होने वाला है, तो एक चिमटा तो ज़रूर चाहिए ही होता है, पहले मैंने सोचा था लूँगी नहीं, बट यूज़ ज़रूरत पड़ा तो फिर ले लिया बाद में। ये मैंने तवा लिया है, तवा ये मैंने लोहे का तवा लिया है, जो एवरीडे बेसिस के लिए, एवरीडे टाइम मतलब रोटी वगैरह के लिए चाहिए ही है, तो एक तवा आयरन का तो सबके घर में होता ही है, तो मैंने ये वाला लिया, इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ था, यूज़ हो गया तो पता नहीं चल रहा, और यहाँ पर हैंडल है। बेसिकली मुझे जो सिंपल वाला आयरन का तवा आता ना वो भी मिल रहा था, बट मैंने वो ऑफ नहीं किया, तो ये वाला लिया है ऐसे, तो ये दिखने में भी स्टाइलिश लग रहा है और आयरन का है, एवरीडे बेसिस के लिए परफेक्ट है, और मैंने बड़े साइज में लिया है, तो ये आयरन का तवा लिया है। ये दो टी स्ट्रेनर लिए हैं, एक प्लास्टिक में लिया है, प्लास्टिक बेसिकली अंदर तो नेट की ही वैसी वाली जाली है, प्लास्टिक नहीं है, बस स्टाइलिंग है बाहर से, और एक ये वाला, तो दो टी स्ट्रेनर ले लिए हैं। और ये वाली कड़छियाँ भी मेरी शादी के टाइम की ही हैं, एक छोटी और एक बड़ी ली थी, ये डीप है दाल या कुछ सूप वगैरह निकालना हो उसके लिए, और ये छोटी नॉर्मल है, तो ये दो साइज़ की ये हैं। एक ये मैंने और ली है, ये वाली कड़छी, ये इसी साइज़ की है, देखो इस साइज़ की है, बट ये कम डीप है और ये थोड़ी ज़्यादा डीप है, तो ये कड़छियाँ ले ली हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें ना जितनी हो उतनी यूज़ हो जाती हैं, किचन में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी नया किचन है, नया सब सेटअप कर रहे हैं, तो अगर और जो चीज़ें यूज़ की ज़रूरत पड़ती जाएंगी वो साइड बाय साइड हम लेते जाएंगे, बट मैक्सिमम जितना मुझे याद था, जितना मुझे मार्केट पर समझ में आया, वो मैंने साइड बाय हैंड टू हैंड ले लिया है। और ये मैंने लिया है जाली वाला, इसे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये भी मैंने ये मैंने 5 नंबर में लिया है, और विप्रो कंपनी का है ये, और बहुत ही ये भी मैंने ना, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सॉलिड इसलिए भी ली हैं क्योंकि जब हम एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं ना तो मुड़ जाती हैं यूज़ करते करते, तो ये मैंने एक लिया है, अगर आपको कुछ तलना है या किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो ये लिया है। ये मैंने 2 पैन्स लिए हैं, सॉस पैन ये लिए हैं, चाय बना लो, दूध उबाल लो, कुछ भी करने के लिए, तो 2 साइज़ के हैं। ये मैंने लिया था स्मार्ट बाज़ार से, ये होमन ब्रांड का है, स्मार्ट बाज़ार में होमन ब्रांड के जो भी सामान मिलते हैं उनका खुद का अपना ब्रांड है, तो ये मैंने लिया था, एक छोटे साइज़ का पैन लिया, ये भी ट्राईप्लाई में है, चाय ऐसा एक सेम मतलब हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मतलब मेरे ससुराल में ये हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पहले से, दादी का घर, अब मुझे ये बोलना पड़ेगा, तो ये सेम हाँ यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने लिया, तो ये बहुत अच्छा चला है, बिल्कुल जला वाला नहीं है कहीं से भी, ट्राईप्लाई में है, तो ये मैंने एक छोटा साइज़ ये लिया है, और ये मैंने एक बड़ा साइज़ लिया, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था जब मैं सामान ले रही थी, बर्तन वगैरह, इसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये यूज़ भी हो गया हमारा काफ़ी दिन, तो ये एक सेकेंड वाला, ये इससे बड़ा वाला है, तो ये 2 साइज़ के मैंने सॉस पैन लिए हैं, ये वाला और इससे छोटा वाला। ओके, ये छोटी छोटी स्पून्स भी हैं, स्पाइसेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिए हैं, उनके पास थे, तो ये लिए हैं। एक ये छोटा सा मैंने पैन लिया है, इसमें आप ये भी इंसुलेटेड है, मतलब इंसुलेटेड का मतलब है कि मतलब ये भी ट्राईप्लाई बेस्ड है, ये छोटा सा लिया है, देखो इसका साइज ना बड़ा क्यूट सा है, इसमें रोज की चीज़ें जैसे कुछ तड़का लगाना या कुछ फ्राई करना है ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये मैंने इसके लिए लिया है। बेसिकली अभी हम 3 ही लोग हैं तो
ज्यादा यूज आएंगे नहीं बड़े बड़े बर्तन, इसलिए छोटे छोटे साइज के ज्यादा ऑप्ट किए हैं। तो ये लिया है छोटे साइज में, इसका हैंडल अच्छी ग्रिप में, बेकलाइट है तो गर्म नहीं होता जल्दी, और नीचे से ट्राई प्लाई है। तो ये एक पैन लिया है इस तरह का, और ये इसके ऊपर ढकने के लिए प्लेट वाला ढक्कन है इस तरह से। और इसका भी डिजाइन अभी लेबल सा लगा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा शायद, पर इस पे भी ना डिजाइन बना हुआ है, एक कप है बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है। तो ये लिया है, और ये परात है स्टील की, काफी हैवी है ये भी, और इसको वॉश कर लेते तो इसका आधा लेबल उतर पाए। ये देवी दयाल ब्रांड की है, और इसके भी बर्तन बहुत ज्यादा हमने यूज किए पहले भी, और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील है इनका भी। तो ये एक स्टील की परात है तो सबके घर में डेफिनेटली होती है और होनी भी चाहिए। ये आटा गूंदने के लिए तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, तीन लोगों के लिए कितना ही आटा होगा, बट हाँ बाकी चीज़ों में यूज़ हो जाएगी। तो ये भी मेरे शादी के टाइम की है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये भी। ये एक परात है, परात मेरे पास और भी है, मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, जो पीतल और वैसी होती है ना तांबे टाइप की परात, वो भी मेरे शादी की ही है, तो वो अभी निकाली नहीं है यूज़ के लिए, तो जब कभी निकालूंगी तब को दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है इसको क्या बोलते हैं, हमाम दस्ता बोल दो, मोटर पैसल बोलो, तो ये मोटर पैसल लिया है मैंने स्टील का, काफ़ी हैवी वाला लिया है ये मैंने, मतलब जानबूझ के काफ़ी हैवी वाला लिया है, क्योंकि हैवी वाले में ही बहुत अच्छे से कोई भी आपको चीज़ पीसनी होती है, टूटना होता है ना, तो ये इससे हो जाता है। और अगर किसी को ये साइज़ का पता करना तो इसका नंबर 4 है, ये नंबर्स के हिसाब से आती हैं अलग अलग, तो ये नंबर 4 में है, बड़ा साइज है। इससे दो साइज छोटे भी आते हैं, एक इतना वाला आता है और एक इतना वाला भी आता है, मैंने वो नहीं ऑप्ट किया है ये 4 नंबर में, और एक इससे बहुत छोटा भी आता है। ये भी इसका काफ़ी हैवी है, तो बहुत अच्छे से इसमें जो भी आपको अदरक हो गया या चटनी वटनी बनानी है बहुत आराम से कूट सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले मैं दिखा रही हूँ मिल्टन की बॉटल ली है मैंने, मिल्टन की बॉटल आप सबको पता है मैं काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मिल्टन की बॉटल। एक और ले ली है मैंने, ये 750 ml की है, हाँ ये 750 ml में है, तो एक नॉर्मल प्लेन मैंने स्टील की बॉटल ले ली है फ्रिज वगैरह में रखने के लिए या वैसे नॉर्मल यूज़ करने। मैं आपको थोड़ा क्विकली दिखा देती हूँ बिकॉज ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ये बहुत हैवी हो गया। ये एक लेमन स्क्वीज़र है, ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था लाके, तो ये भी है। ये छोटे छोटे प्लेट जो मैंने लिए हैं ये मैंने कवर करने के लिए लिया, आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। अच्छा मैं आपको सबसे छोटी कढ़ाई पहले दिखाती हूँ, ये सबसे छोटी कढ़ाई है मेरे पास, तो ये एक सबसे छोटी सी कढ़ाई है, ये भी स्टेनलेस स्टील की, काफ़ी हैवी है, डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है तीन लोगों के लिए, तो ये सबसे छोटी है। और इसके साथ इसका ना ढक्कन भी है, ये हैंड इस पर आप हैंडल वाला है, आराम से आप कुछ चीज़ पर ढक के पकड़ भी सकते हो। तो ये सबसे पहली कढ़ाई है, सबसे छोटी कढ़ाई, बहुत हैवी है ये वाली भी। और एक मैं बस और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये तो बहुत ही हैवी कढ़ाई है, मतलब इसको उठाना ही एक चैलेंज है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बहुत हैवी है, बड़ी तो नहीं है ये। और ये कैमरो ब्रांड की है, इसमें ना ये बहुत स्टाइलिश सी बनी हुई है, यहाँ से कर्व बना हुआ है, आपको वीडियो में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा इस तरह से, तो ये उससे बड़ी है और काफ़ी हैवी है, तो आराम से को अगर हमें देर तक कुकिंग करनी है ना तो उसके लिए परफेक्ट है। तो ये सेकंड कढ़ाई है, तो जब को यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली दिखाऊँगी, ये सेकंड है। और इसके लिए भी मैंने ये जो है ढक्कन है इनके, ये स्टेनलेस स्टील के ढक्कन ले लिए, उस टाइम पे मुझे ऐसा वाला ढक्कन नहीं मिला था पकड़ने वाला, तो मैंने प्लेन ले लिया था, तो ये इस तरह से, ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो ओके। ये एक छोटा ढक्कन है, आई मीन किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने किसी के लिए तो लिया था ये ढक्कन, हाँ ये पतीले के लिए लिया था मैंने ढक्कन, इनमें से एक पतीले के लिए, तो इस पे कैप लगाने के लिए ना कुछ बनाना हो उबालना हो तो ढक के आराम से रख दो। ये एक बड़ी कढ़ाई है, ये फर्स्ट साइज़ है, ये सेकेंड साइज़ है, और ये वाला थर्ड साइज़ है। तो ये एक कढ़ाई ली है मैंने, ये मैंने स्मार्ट बाज़ार से लिए, ये भी होमवन ब्रांड की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये भी ये ट्राई प्लाई में है, सो इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है बट ये ट्राई प्लाई में है तो इट्स सेफ टू कुक। तो ये है, ये इस तरह से कैसी है, ये बहुत ये डीप वाली कढ़ाई है दोनों, और ये क्या थोड़ी वाइड है, इसकी डेप्थ कम है लेकिन वाइड है, तो आराम से जैसे हमें थोड़ी ब्रॉड कुकिंग करनी होती है ना जिसमें, तो वो आराम से जैसे पास्ता वगैरह कुक करना है तो उसके लिए परफेक्ट है, तो ये मैंने उसके लिए ली है। तो ये मेरी स्मार्ट बाज़ार से मैंने परचेज करी है। ये जग है एक मेरे पास, ये भी मेरी शादी के टाइम का ही है जग, मैंने आप निकाल लिया यूज़ करने के लिए, ये देवी दयाल ब्रांड का है, काफ़ी बड़े साइज़ में है, और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ओपन कर सकते हैं वाटर फिल करने के लिए, ये एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई मीन जैसे
हाँ ये भी सेम ब्रांड का है, ये भी सेम ब्रांड का है। और इसके मेरे पास कुछ बोल्स भी हैं, मैं अभी यूज़ नहीं कर रही तो मैंने निकाले नहीं है, जब निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह का डीप एक है, काफ़ी अच्छे साइज का है, मतलब इसमें 1.5 से 2 लीटर 2.25 लीटर पानी आ जाता है। तो ये एवरीडे किचन में रखने के लिए ना बहुत अच्छा है। तो ये हाँ, और ये एक पतीला है, ये बहुत बड़े साइज का है, ये भी मेरे शादी के ही बर्तन है और बहुत अच्छी ब्रांड के हैं ये भी। इनमें देखो मैंने स्पेशली इसलिए लिया था, एक तो ये इंडक्शन बेस्ड है, इसमें मेरे बहुत सारे बर्तन है जो इंडक्शन बेस्ड है, तो ये इसमें आप इंडक्शन पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। और सबसे ब्यूटीफुल है इसका ये डिज़ाइन, आउटसाइड डिज़ाइन। तो ये मैंने एक बड़े साइज का पतीला लिया था, मतलब ये 3.5 से 4 किलो के बीच का है, इसमें काफ़ी अच्छे आप क्वान्टिटी में कुछ बना सकते हो। तो ये मैंने एक पतीला लिया था, लाओ थोड़ा हल्का है। हाँ ये स्टील नहीं है ना, थोड़ा भारी। और ये एक पैन है, ये बड़ा क्यूट सा, मुझे छोटा सा पैन दिखा था। इस सबसे अच्छी चीज है, मुझे ये वाले हैंडल बड़े पसंद आते हैं ऐसे वाले स्टील के, तो मैंने ये हैंडल लिया है, इस हैंडल में लिया था। और ये छोटे कामों के लिए बहुत अच्छा है। और इसका भी सेम इंडक्शन वाले, ये सारे मैंने बर्तन जो है इंडक्शन वाले और सेम डिजाइन है, मैंने सेम पैटर्न के लिए थे। और ये कितने साल पुराने हैं, तब ये नया नया ट्रेंड आया था ऐसे वाले बर्तनों का, तब लिए थे मैंने, यूज तो नहीं हुए सब ऐसे नए के नए हैं। ये जो पतील है और वो वाला, ये एक ही कंपनी का, हाँ ये सब एक ही कंपनी। तो ये है मेरी अनदर कढ़ाई, ये भी मेरी शादी के टाइम के सारे जो मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये बहुत ही सुंदर है दिखने में, ये देखो ये मैंने सेम पैटर्न के लिए हुए, सेम इंडक्शन वाले हैं। और इसका हैंडल बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है, स्टील का है बट बहुत सुंदर बना हुआ है। ये एक कढ़ाई है और इसके साथ मैंने इसका लिड भी लिया था, ये रहा ये इसका लिड है, ये भी सेम ब्रांड का है। ये बेसिकली सेट में था तो मैंने सेट का लिया, पूरा सेट लिया था। ये ऐसे इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल है कढ़ाई दिखने में, और आप कुकिंग करके रखते हो ना तो बहुत ही सुंदर लगता भी है। और एक मैंने कढ़ाई और ली थी, ये तो बहुत ही बड़ी है, आई मीन मेरे यूज़ में तो अभी आने वाली भी नहीं है, बट हाँ कभी कभी यूज़ हो सकती है। ये इतनी बड़ी है बेसिकली, मैंने ये देखो ये कितनी बड़ी है, मतलब इसमें जैसे गाजर का हलवा सर्दियों में बनाना हो या बहुत सारी कुकिंग करनी हो ना कोई आ जाए तो उसके लिए, ये भी सेम है। ये 15 नंबर है और ये 12 नंबर है, और ये लिड्स इनके इनके साथ ही आए थे। तो ये बहुत ही बड़ी कढ़ाई है और ये भी सेम ऐसा है, इंडक्शन और ऐसा। ये मैंने प्रॉपर सेट लिए थे, बहुत सुंदर है दिखने में ये, पर बहुत ही बड़ी है ये। तो आई वॉज रियली सरप्राइज, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब बेसिकली तो याद भी नहीं होता ना इतने सालों से बर्तन लिए हुए हैं। और ये इसका ढक्कन है, है ना खूबसूरत सी, बहुत सुंदर है ये ऐसे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पूरा सेट लिया था मैंने, कढ़ाई और पतीला और ये पैन, ये सब एक ही जैसे लिए थे मैंने, तो पूरा सेट बना के लिया था, ये तो सेट में ही था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से कुकवेयर है, ये लिया था मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्लासेस, ये भी मेरे पहले के ही हैं ग्लासेस, सब ये सारे बर्तन मेरे शादी के टाइम के ही हैं। तो ये ग्लासेस हैं, स्टील के ग्लासेस, ये अभी तक खोले ही नहीं इसीलिए पैक्ड हैं, इनको अभी खोल लूँगी मैं आप साथ ही। तो ये ग्लासेस हैं इस तरह के, तो ये मेरे पास 6 का ये है सेट और 6 इनमें है। तो मैंने हर चीज़ जब भी शादी के टाइम पे जो भी लिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैंने 12 का सेट लिया था, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली थी उसके हिसाब से मैंने लिया था। तो ये 2 सेट हैं मेरे ग्लासेस के, जो आप फाइनली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली निकालेंगे इनको। तो ये हैं बट वहीं रख दो, और हाँ तो और ये एक सेट है, ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, इसमें चपाती बॉक्स है, चपाती बॉक्स का सेट है 2 का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल ये न्यासा का है, और ये इतना ब्यूटीफुल सा पीस है, ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और ये भी 2 के सेट में है, एक ये है और एक ये है। तो ये इस तरह से, तो ये 2 के सेट में इस तरह से। तो इसमें आप राइस रख सकते हो, रोटी रख सकते हो, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका डिज़ाइन भी बहुत मुझे पसंद आया, इस तरह से रेगुलर गोल सा चपाती बॉक्स नहीं है। एक्चुअली मैंने जो भी चीज़ें ली है ना, मैंने बहुत यूनिकली वाला, मतलब यू नो
कि मुझे ना अलग अलग चीजें ही पसंद आती है, बहुत रेगुलर वाला नहीं पसंद आता, इसलिए मैंने कोशिश करी कि सब चीजें, चाहे मेरे इतने सालों पुराने भी है ना, तो वो भी बहुत स्टाइलिश है, वो भी बहुत डिफरेंट है। और इनमें तो मैंने डिजाइन सेम सेम करके लिया था, ये जो स्पून्स है मेरी और ये जो सर्विंग स्पून्स है, इनके जो यहाँ पर डिजाइन कैमरा में आपको दिखेगा नहीं, यहाँ और यहाँ के डिजाइन बने हुए हैं ना, ये सब सेम है, बहुत मैच करके लिया था मैंने सब सोच समझ के, बट यूज ही नहीं हुआ था घर पे, ऑलरेडी इतने सारे बर्तन थे कभी खुले ही नहीं। और ये भी देखो कितना ब्यूटीफुल सा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दो के सेट में राइस या कुछ भी जैसे हमें बना के रखना हो, सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं है चपाती बॉक्स की तरह से यूज करे जाए, सर्विंग की तरह से भी यूज कर सकते हैं इनको डाइनिंग पे। तो ये दो का सेट है, ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी, अब नया सब कुछ सेटअप कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही सेटअप हो रहा है, जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि हमें क्या क्या लेना है क्या क्या रखना है, तो उस हिसाब से हम सामान भी अपना ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें ले ली हैं और कुछ चीज़ें हमने पहले से ही यहाँ पर आने से पहले इंस्टॉल करवा ली थी। तो ये सारी चीज़ें किचन की चीज़ें जो मेरे पास अभी हैंडी थी, जो हमने यूज़ के लिए निकाल ली थी, मैंने आपको दिखा दी है, और भी जैसे जैसे सामान यूज़ के लिए निकालती रहूँगी या लाते रहेंगे तो आपसे भी शेयर करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें जो मैंने निकाली है मैंने आपको भी दिखा दी। गाइस यहाँ पे बर्तन खाली होने वाला है, मैं सारे बर्तन किए, तो गाइस आपको बताया कि बर्तन ये ग्लास वास सब मैं लाई है ऐसे लगाए ताकि, और ये सारे ग्लासेस वगैरह हमें नानी ने दिए, ये देखो क्यांच मेरी हेल्प कर रहा है, और ये सारे बर्तन, ये वाले बर्तन, ये बर्तन, ये सब हमें नानी ने दिए हैं, ये छोटे वाले हम लगा रहे हैं, हां ये प्लेट्स वगैरह, ये सारी प्लेटें हैं, ये धुली है नहीं, ये डोंगे हैं ऐसे दो छोटे डोंगे हैं, ये कुकर, ये तो मैंने यूज के लिए लिया, ये तो मैं बाद में रिटर्न कर दूंगी, ये थालियाँ, ये सब नानी ने दिए हैं, हाँ सब ड्राई करना है बेटा, ये वाला पतीला, चलो मैं जल्दी से कर दूं। तो अभी हमारी किचन फिलहाल, अभी फिलहाल हमारी किचन ऐसे है, इस तरह से हमने लगाई है, बाद में जब पूरा सेट हो जाएगा तब दिखाऊंगी, अभी गैस पाइपलाइन आना है, जब तक नहीं आया तब तक हमने सिलेंडर लिया है, ये भी नानी के घर से आया है हमारे यूज़ के लिए, और जब तक हमें ज़रूरत है तब तक ये सिलेंडर हम यूज़ करेंगे, और बाकी सब इससे आर ओ भी नहीं लगा इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं, वाटर वाली बॉटल, और ये भी मयूर जग भी नानी के घर से आया है, तो काफ़ी ऐसे हेल्प हो गई है, अभी धीरे धीरे सेटअप, अभी जैसे धीरे धीरे सेटअप होता रहेगा वैसे वैसे चीज़ें लगाते रहेंगे। तो बस जब तक काम करके फ्री हुई थी तब तक नानी और मामू आ गए थे हमसे मिलने के लिए, और क्यांच चला गया था मामू के साथ नीचे प्ले करने के लिए। जब नानी वापस जाने लगी थी तो क्यांच बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, ही डिडंट वॉन्ट कि नानी वापस जाए, तो नानी ने प्रॉमिस किया दैट शी विल कम बैक। सो बस ये था आज का ब्लॉग, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।